हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी ड्रीम न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हमारी इस वीक में बहुत सारी विनिंग हुई है। वो फ्रेंड्स मैं आपको प्रूफ टेलीग्राम पे थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बात कर देते हैं इस मैच की। जो फ्रेंड्स यहाँ प्रीमियर लीग का मैच खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेज वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी क्या ड्रीम इलेवन की टीम्स रहने वाली है, और फ्रेंड्स यहाँ से हेड टू हेड में किस तरह का प्रदर्शन रहा है, किस टीम से हमें कौन से प्लेयर पिक करने हैं, और फ्रेंड्स गोल करने के चांसेस किस प्लेयर के बन रहे हैं, साथ साथ में डीपली एनालिसिस होगा फ्रेंड्स प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बता दूँ, अगर आपने अभी तक यहाँ से फैंटेसी ड्रीम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। प्रीमियर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, जो छः मैचों में लास्ट रिसेंट परफॉर्मेंस देखे तो मैनचेस्टर सिटी फ्रेंड्स यहाँ से पिछले छः मैचों में एक भी मैच नहीं हारी है। और फ्रेंड्स, दूसरा मैं इनका बता दूं, मैनचेस्टर सिटी यहाँ से डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले प्रीमियर लीग ये जीत चुकी है, और फ्रेंड बहुत शानदार टीम है। पिछला प्रीमियर लीग सिटी फ्रेंड्स मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ से पिछला प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। वेस्ट हैम यूनाइटेड की बात करें तो फ्रेंड्स ये मिड टेबल में रही थी, पिछले जो प्रीमियर लीग रहा था उसमें इनका रैंक 15वें रैंक पे रही थी फ्रेंड्स पॉइंट्स टेबल में। तो फ्रेंड्स, वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम यहाँ से मिलीजुली टीम है, लेकिन फ्रेंड्स रिसेंट में इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 विन और 1 ड्रॉ करके आए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से मैनचेस्टर सिटी ने 56 मैच जीते हैं, वेस्ट हैम यूनाइटेड ने भी फ्रेंड्स 37 मैच जीते हैं, ड्रॉ की फ्रेंड्स यहाँ से 17 मैच हुए हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ से ड्रीम इलेवन में स्मॉल लीग और हेड टू हेड में फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ से 7-4 की कॉम्बिनेशन बेस्ट रह सकता है। मैनचेस्टर सिटी से आप यहाँ से 7 प्लेयर रखिएगा, और फ्रेंड वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम से आप यहाँ 4 प्लेयर के साथ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ से 100% विनिंग मिलने वाला है। इंजरी न्यूज़ और टीम न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स मैनचेस्टर सिटी की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ से मैनचेस्टर सिटी के लिए फ्रेंड्स सर्गियो ऑग्यूरो फ्रेंड्स, जिससे पहले कम्युनिटी शील्ड का मैच हुआ था उसमें उनको रेस्ट दिया गया था फ्रेंड्स, उस मैच में खेले नहीं थे, बहुत शानदार प्लेयर है, इनको अपनी टीम में आपने ज़रूर रखना है। और फ्रेंड्स इस मैच में इनके खेलने के पूरे पूरे चांसेज है, और फ्रेंड्स यहाँ से इनके गोल करने के चांसेज भी इस मैच में बहुत बन रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से लैरोसेन है फ्रेंड्स नी इंजरी के कारण नहीं खेल रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस मैच में भी इनका खेलना यहाँ से थोड़ा सा डाउटफुल है, तो लैरोसेन को भी अपनी टीम में मत ट्राई करिएगा। और रॉड्रिगो भी फ्रेंड यहाँ से मुश्किल है खेलने आज के मैच में। और फ्रेंड्स बेंजामिन मेंडी भी फ्रेंड्स यहाँ से नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि ये भी अभी तक इंजरी से रिकवर नहीं कर पाया है, तो इन प्लेयर्स को आपने अपनी टीम में नहीं लेना है। इंजरी न्यूज़ यही सामने आ रही है मैनचेस्टर सिटी के लिए। वेस्ट हैम यूनाइटेड की यहाँ से बात कर ले तो यहाँ से फ्रेंड्स इनकी टीम लगभग पूरी तरह से फिट है, और फ्रेंड्स सारे प्लेयर यहाँ से खेलने के पूरे पूरे चांसेस है। और फ्रेंड्स यहाँ से गोलकीपर के लिए लुकास फैब्रिगास भी फ्रेंड्स इस मैच में रहने वाले हैं वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए। मोस्ट प्रोबेबल इलेवन की बात करें तो फ्रेंड्स वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, मैनचेस्टर सिटी के लिए फ्रेंड्स यहाँ से एडरसन गोलकीपर रहने वाले हैं, वॉकर रहने वाले हैं, स्टोन्स रहने वाले हैं, रॉड्री या फर्नांडिस में से एक खेलने वाला है, डी ब्रायन रहने वाले हैं, डेविड सिल्वा रहने वाले हैं और बर्नार्डो सिल्वा। फ्रेंड्स क्या शानदार ये दोनों प्लेयर है, डेविड सिल्वा और बर्नार्डो सिल्वा, फ्रेंड्स बहुत शानदार इनका रिसेंट में रिकॉर्ड है। और फ्रेंड्स ये यहाँ से मिडफील्ड में मैनचेस्टर सिटी की यहाँ से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद इनके ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रेंड्स इनके गोल करने के चांसेस भी यहाँ से बहुत ज़्यादा। स्ट्राइकर की बात करें तो फ्रेंड्स स्ट्राइकर में ऑग्यूरो है फ्रेंड्स, क्या शानदार इनका प्रदर्शन है, स्टर्लिंग भी फ्रेंड्स यहाँ से स्ट्राइकर में ही मिलेंगे। वेस्ट हैम यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ से फेबेंस की गोलकीपर है, फ्रेडरिक्स रहने वाले हैं, डायोफ रहने वाले हैं, बल्ब्यूना रहने वाले हैं, क्रेसवेल, राइस, लेंजिनी, फोर्नल्स, एंडरसन और वेलशियर के साथ साथ हॉलर रहने वाले हैं। पावर पिक फैंटेसी प्लेयर बोलूँ तो फ्रेंड्स में यहाँ से रहने वाले मैनचेस्टर सिटी के लिए सर्गियो ऑग्यूरो, जैसे मैंने फ्रेंड्स पहले कहा बहुत शानदार इनका प्रदर्शन है। और फ्रेंड्स यहाँ से मैं इनका रिकॉर्ड आपको बताऊंगा तो यहाँ से आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, 34 मैचों में 21 गोल और 8 असिस्ट किया है ये प्लेयर। और फ्रेंड्स इससे पहले जो प्रीमियर लीग हुआ था उसमें भी फ्रेंड्स इन्होंने 20 गोल किए थे, तो फ्रेंड्स इनका प्रीमियर लीग में बहुत शानदार प्रदर्शन है, 20 गोल पूरे प्रीमियर लीग में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, और गोल करने के चांसेस भी फ्रेंड्स इस मैच में इनके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। राहिम स्टर्लिंग की बात करें तो फ्रेंड्स राहिम स्टर्लिंग भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, और फ्रेंड्स इनका रिकॉर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं, 34 मैचों में 17 गोल और 10 असिस्ट किए हैं, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ से वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहने वाले हैं, इनको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करना है। ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप यहाँ अगर खेलना चाहते हैं को तो केविन डी ब्रुइन को कैप्टन रखिएगा, ग्रैंड लीग की ऑप्शन केविन डी ब्रुइन है फ्रेंड्स, यहाँ से कम लोगों ने इनको ट्राई किया होगा, मिडफील्डर ये प्लेयर है, और फ्रेंड्स यहाँ से ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रह सकता है। वेस्ट हैम यूनाइटेड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से रहने वाले स्पेस्टियन हॉलर फ्रेंच फ्रेंड्स ये स्ट्राइकर है, और फ्रेंड्स यहाँ से इनका प्रदर्शन भी इनके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम अगर जीत यहाँ से दर्ज करना चाहती है तो यहाँ से हॉलर और फेलिप हैंडरसन को शानदार प्रदर्शन करना होगा, और फ्रेंड्स अगर यहाँ से वेस्ट हैम यूनाइटेड कोई चमत्कार करके ये मैच जीत जाती है तो फ्रेंड्स ये इनके दोनों प्लेयर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ग्रैंड लीग्स, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन मत ट्राई करना। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से
फेलिप हैंडरसन की। फेलिप हैंडरसन के ने फ्रेंड यहाँ से 36 मैचों में 9 गोल और 4 असिस्ट किए हैं। ब्राजीलियन फ्रेंड ये प्लेयर है, तो फ्रेंड यहाँ से ब्राजीलियन के साथ साथ आप एक्सपेक्टर में जैक विल्शर को ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड ड्रीम इलेवन में बता देता हूँ मैं आपको किस तरह की टीम बनानी है। उससे पहले फ्रेंड बता दूँ टेलीग्राम फ्रेंड्स आपके लिए फ्री है, यहाँ पे आपको क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके सारी टीम्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ये चैनल का लोगो रहेगा, फैंटेसी ड्रीम न्यूज़ सर्च करिए और फ्रेंड यहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको T20 ब्लास्ट से लेके फुटबॉल से लेके फ्रेंड सारी टीम्स प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड यहाँ पे आपको बता दूँ तो अच्छी खासी विनिंग रही है, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ से फ्रेंड्स हमारे इस हफ्ते बहुत सारी विनिंग हुई है। चाहे फुटबॉल का कोई भी मैच ले लो फ्रेंड्स, हमारी टीम यहाँ पे रैंक वन पर ही रही है। फ्रेंड्स ये मैच में भी जो हमारा यहाँ से हॉगनसन और PSV के बीच रहा था उसमें भी हमारा रैंक वन रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रैंक वन इस वीक में फ्रेंड्स हर मैच में मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से अब ड्रीम इलेवन में बात करूँ तो ड्रीम इलेवन में हमारी टीम कुछ इस तरह से रहने वाली है, उसका फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस करके दे देता हूँ। गोलकीपर की यहाँ से बात कर तो मैनचेस्टर सिटी के लिए ई मोरस को फ्रेंड्स अपनी टीम में ट्राई किया हूँ। आप फ्रेंड्स यहाँ से फेबेंस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ से ई मोरस को ही सजेस्ट करूँगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप APL फेबेंस को भी ट्राई कर सकते हैं, ई मोरस को यहाँ से लिया हूँ। डिफेंडर की बात कर तो फ्रेंड यहाँ से जे स्टोन को लिया हूँ। के वॉकर और ए लपोटे में से फ्रेंड्स आप दो में से एक प्लेयर अपनी टीम में अकॉर्डिंग टू योर लक ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से दोनों ही खेलने वाले हैं। और फ्रेंड यहाँ से एक क्रेसवेल को लिया हूँ और साथ साथ में यहाँ से आई डायोप को रखा हूँ। मिडफील्ड की बात कर तो जैसे मैंने पहले कहा ग्रैंड लीग की शानदार ऑप्शन रहने वाले कैप्टन के लिए KD ब्रायन फ्रेंड्स कैप्टन की बहुत अच्छी ऑप्शन रह सकती है अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं स्पेशली। तो बी सिल्वा और फ्रेंड डी सिल्वा में से यहाँ से दोनों खेलने वाले हैं, तो आप दोनों में से एक को अपनी लक के अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, या फ्रेंड्स बी सिल्वा को अपनी टीम में ले सकते हैं या फ्रेंड यहाँ से आप डी सिल्वा को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बाकी, तो फ्रेंड यहाँ से डी राइस को लिया हूँ। और फ्रेंड्स स्ट्राइकर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ से ऐसा गोरू को रखा हूँ, आर स्टर्लिंग को रखा हूँ, मैनचेस्टर सिटी के दोनों शानदार स्ट्राइकर, और ऐसा हेलर को रखा हूँ। बाकी फ्रेंड टीम प्रीव्यू से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, जो मोटिवेशन मिलता है और फ्रेंड्स अगला वीडियो से अच्छे बनेगा। और फ्रेंड्स साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं यहीं पर ही आपको सारी ड्रीम इलेवन की फ्री में टीम्स प्रोवाइड की जाती है और विनिंग भी फ्रेंड्स 101% हर मैच में मैक्सिमम रहती ही रहती है। तो फ्रेंड्स कभी बीच में विनिंग रह भी नहीं सकती है, तो फ्रेंड्स लेकिन मैं यहाँ से आपको बता दूं लेकिन फ्रेंड यहाँ से विनिंग करने के चांसेस इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड 90% आपको यहाँ से विनिंग हर मैच में लगभग मिलती ही मिलती है। जहाँ तक बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो यहाँ से एस अग्यूरो रहने वाले हैं, कैप्टन की ऑप्शन है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से ग्रैंड लीग के लिए स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा था KD ब्रायन को फ्रेंड्स मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन लिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ से बता दूँ आपको ये फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में KD ब्रायन को यहाँ से बहुत कम लोगों ने कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई किया होगा, और फ्रेंड यहाँ से इनको मैं अपनी टीम में रखा हूँ। आप फ्रेंड यहाँ से के वॉकर को भी कैप्टन की ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं स्पेशली ग्रैंड लीग की अभी मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉल लीग और हेड टू हेड की अब बात कर लेते हैं। यहाँ से हेड टू हेड और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से 3-4 मेंबर की लीग खेलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं टीम बता दूँ तो टीम में फ्रेंड्स लगभग हमारी यही रहेगी। आप यहाँ से कैप्टन एस अग्यूरो को रखिए, वाइस कैप्टन बाना आप यहाँ से आर स्टर्लिंग को रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से बी सिल्वा और KD ब्रायन भी आप बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। लेकिन फाइनल टीम्स फ्रेंड्स मैं 45 मिनट्स पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में किस तरह की टीम के साथ जाना है। और फ्रेंड्स 3 और 4 मेंबर की लीग भी मैं 45 मिनट्स पहले अपडेट कर दूंगा, तो फ्रेंड टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक है नहीं आपके पास तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर दे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से बता दूँ आपको बहुत सारी अर्निंग होने वाली टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे। यहाँ से एक वाइस कैप्टन और कैप्टन की ऑप्शन बताऊँ तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करूँ और KD ब्रायन को ही रखा हूँ। और फ्रेंड्स इसी टीम के साथ भी फ्रेंड्स आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप वाइस कैप्टन अपनी अकॉर्डिंग टू लक रख सकते हैं, बी सिल्वा को भी ले सकते हैं, आर स्टर्लिंग को भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, स्टेटस एंड फैक्ट्स पसंद आए हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती है और फ्रेंड्स इस चैनल में आपको कोई भी बाकी कोई फालतू मटेरियल यहाँ से दिया भी नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।